टोक्यो ओलंपिक में बहुत बड़ा दिन है महिला हॉकी टीम के लिए, काफ़ी अहम ये दिन माना जा रहा है। आज इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है महिला हॉकी टीम। अगर आज अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत इंडिया की जो टीम है वो जीत जाती है तो फिर मेडल जीतने में वो कामयाब होगी और भोपाल में भी खिलाड़ी उनको चीयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, मेडल पर बेटियों की लगातार नज़र है। हॉकी में कुछ कर गुजरने की क्षमता उनमें बनी हुई है और साथ ही पूरी जोर शोर से ये मुकाबला आज का रहने वाला है। वहीं भोपाल में भी ये जो बेटियां हैं वो महिला हॉकी टीम की जो खिलाड़ी हैं उनको चीयर करती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से खुश नज़र आ रही हैं और चीयर करते हुए उनको दिखाई दे रही हैं। ये भोपाल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार भोपाल में ये तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं जहां चीयर करते हुए, क्योंकि आज काफ़ी अहम टोक्यो ओलंपिक में ये दिन आज का माना जा रहा है, आज मैच होने वाला है और ओलंपिक में महिलाओं का जलवा देखने को मिल रहा है और आज भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना के साथ मैच खेलने वाली है। ये बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर ओलंपियन है, हम उनसे बात करेंगे। सर, सेमीफाइनल में हमारी टीम पहुंची है, भारतीय महिला हॉकी टीम, कितने गर्व की बात है और हमें ये मैच जीतने की ज़्यादा उम्मीद भी लग रही है क्योंकि सेमीफाइनल में हम पहली बार पहुँचे हैं। यकीनन बहुत गर्व की बात है महिलाओं ने, क्योंकि दूसरी बार क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। पहली बार हालांकि हम अच्छा नहीं कर पाए थे परफॉर्मेंस, लेकिन ये दूसरी बार में ही सेमीफाइनल पहुंचना एक इतिहास रचा है और मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हमने हराया है क्वार्टर फाइनल में और उससे पहले आयरलैंड जो कि पिछली बार की वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी, तो दो स्ट्रांग टीम को हराया है, तो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि बहुत ऊपर होगा हमारी टीम का, वुमेंस टीम का। सर, अर्जेंटीना को अपने आक्रामक रूप में खेलने के लिए पहचाना जाता है तो ये एक बड़ी चुनौती भी है हमारी भारतीय महिला टीम के आगे, वो किस तरह से इसको किस नीति से किस रणनीति से अपनाएंगी, किस तरह खेलना चाहेंगे? देखिए, ये कोचिंग स्टाफ देखता है, जो वहाँ पे कोचेज हैं, जो भी स्टाफ है उनका, वो सब देखते हैं कि कौन सी टीम के साथ कौन सी स्ट्रेटेजी बनाना है। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ है कि हम भी बहुत ही अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं और स्किलफुल जो हमारी एशियन स्किल है वो हम दिखा रहे हैं, खासकर वुमेंस हॉकी में, तो मुझे लगता है कि मैच बहुत ही बराबर का होने वाला है। हम पिछले अगर रिकॉर्ड पे नहीं जाएं, अभी के हालिया परफॉर्मेंस को देखें तो भारत अर्जेंटीना से ऊपर कहीं दिखता है। सर, उम्मीद इसलिए ज़्यादा जाग जाती है क्योंकि कल हमने देखा था पुरुष की जो हॉकी टीम थी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब अगर महिला करिश्मा दिखाती है किसी तरह का और हमें जीत अपने पाले में आती है तो ये बड़े ही गर्व की बात होगी। किस तरह से इसको पूरा चेयरअप किया जा रहा है? नहीं देखिए, महिला पुरुष का तो एक बार सबको थोड़ा सा अंदाज़ा था कि कुछ अच्छा कर सकते हैं और पहले भी हम क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। महिलाओं ने, जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और दूसरी बार में ही सेमीफाइनल पहुंच गई हैं, वो इतना अच्छा, हालांकि शुरू के 3 मैच हार गई थी लेकिन बाउंस बैक बहुत अच्छा किया, उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस और टीम का भी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस, जैसे कहा कि आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन स्ट्रांग टीमों को हराया है तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अर्जेंटीना को ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि पूल मैच में हराया था और हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो एक कई चीज़ें मोटिवेट करती हैं आपको ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा करने वाली है। सर, देखा जाए तो 36 साल बाद हमें इस मैच के लिए इंतज़ार करना पड़ा है और 36 साल बाद हमारी जो टीम है सेमीफाइनल में भी पहुंची है और इससे पहले अगर टीम ने आयरलैंड को और साउथ अफ्रीका को भी हराया है, लेकिन अब बड़ी चुनौती अर्जेंटीना सामने है, उसे किस तरह से कवरअप किया जाएगा? देखिए, मैच मैंने जैसे बोला कि हमारा कोचिंग स्टाफ वहाँ पे मौजूद है, वो जो देख रहा है, क्योंकि वहाँ वेदर कंडीशन देखना होती है कि कैसा वेदर है, कैसे हमें खेलना है, अटैकिंग फुल प्रेस खेलना है कि हाफ कोर्ट खेलना है, वो एक अलग अलग टर्मोलॉजी होती है हॉकी में, तो वो उसी हिसाब से सेट करेंगे। स्किल की बात रही तो मैं
पूरे वुमेंस के जितने भी मैच देखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि वो एशियन स्किल जो हमारी थी, जो इंडिया में खेली जाती है जो हॉकी, उसका बड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है भारतीय वुमेंस टीम। देखिए बिल्कुल गर्व की बात है, आज भारतीय महिला हॉकी टीम अपना दमखम दिखाने वाली है। अर्जेंटीना के साथ यहाँ मैच है और इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। आज यहाँ पर LED पर भी ये मैच दिखाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं TT नगर स्टेडियम में, जहाँ पर और भी खिलाड़ी यहाँ पर अपने खेल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आज यहाँ पर सभी को मैच दिखाया जाएगा, लेकिन एक बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है क्योंकि कई सालों बाद जब हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम इस सेमीफाइनल में पहुँची है तो भारत को ज़रूर उम्मीद है कि महिला टीम कुछ करिश्मा दिखाएगी और जीत अपने पाले में हासिल करेगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ सदफ हामिद, News24 भोपाल।